दोस्तों, YouTube हर बंदा यूज़ करता है। अगर मोबाइल में हम यूज़ करते हैं तो मोबाइल में YouTube के शॉर्टकट पे हम क्लिक करते हैं और क्विकली हमारे साथ YouTube ओपन होता है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में हम ब्राउज़र ओपन करते हैं, YouTube के वेबसाइट पे जाते हैं और फिर हम YouTube यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में आपको स्क्रीन पर दिखाऊँगा कि कैसे हम यूट्यूब का शॉर्टकट, यूट्यूब ऐप कैसे इंस्टॉल करेंगे और इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पे कैसे क्रिएट करेंगे और हम क्विकली कैसे ओपन करेंगे बग़ैर किसी वेब ब्राउज़र पे जाने के। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ये मैंने यूट्यूब का वेबसाइट ओपन किया है गूगल क्रोम में। यहाँ इंस्टॉल ऐप का ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा इंस्टॉल ऐप यूट्यूब। तो दोबारा इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, यूट्यूब एज ए ऐप ओपन होगा मेरे साथ। मैं इसको क्लोज करता हूँ, इस ब्राउज़र को भी क्लोज करता हूँ। ये शॉर्टकट आपके पास क्रिएट होगा डेस्कटॉप पे। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो यूट्यूब ओपन होगा डायरेक्टली। ये यूट्यूब मेरे साथ ओपन हो गया एज ए ऐप। इन केस अगर आपको यूट्यूब ऐप पसंद नहीं है, अगर आपको ये शॉर्टकट पसंद नहीं है इस तरह यूज़, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए आपको यहाँ ये थ्री डॉट्स इस पर क्लिक करें और यहाँ अनइंस्टॉल यूट्यूब पे क्लिक करें। यहाँ रिमूव पे क्लिक कर रिमूव यूट्यूब आल्सो क्लियर डेटा, तो आप डेटा भी क्लियर कर सकते हैं। से यूट्यूब का जो ऐप इंस्टॉल हो गया है और जो शॉर्टकट क्रिएट हो गया है वो रिमूव होगा। वो शॉर्टकट रिमूव हो गया और ऐप भी रिमूव हो गया कंप्यूटर से। देखने के लिए शुक्रिया। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।